अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मालूमाती दुनिया में खुश आमदी। नाज़रीन, साइंस और इंसानी दिमाग की इम्तिजाज ने जिस तेज़ी से इस दुनिया को बदला है, इसकी तारीख नहीं मिलती। हर रोज़ एक नई ईजाद अकल इंसानी के अरूज की गवाही देती है। उड़ने वाली गाड़ी के मतलब आपने बहुत सुन रखा होगा, लेकिन क्या आप फ्लाइंग बोर्ड यानी उड़ने वाली कश्ती में बैठना पसंद करेंगे? जी हाँ, दुबई में मौजूद जेट जीरो एमिशन नाम की कंपनी ने ऐसी कश्ती बनाने का ऐलान किया है जो हाइड्रोजन से चलेगी। इस बोट की खास बात यह है कि यह पानी की सतह पर नहीं चलेगी, बल्कि पानी से कुछ ऊपर हवा में दौड़ेगी, इसलिए कंपनी ने इसका नाम दी जेट रखा है। इस फ्लाइंग बोट को तवानाई फराहम करने के लिए इसमें दो हाइड्रोजन सेल लगाए गए हैं। हाइड्रोजन का इस्तेमाल इसलिए किया गया है ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा माहौल दोस्त बनाया जा सके। हाइड्रोजन को जब ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो किसी भी किस्म का धुआं पैदा नहीं होता। हाइड्रोजन की वजह से इंजन आवाज भी पैदा नहीं करता और ये उड़ने वाली कश्ती खामोशी से पानी के ऊपर परवाज कर सकेगी। अपने इब्तदाई डिजाइन के मुताबिक ये बोट 33 फुट लंबी होगी। इसमें 12 मुसाफर और एक कप्तान सवार हो सकेगा। इसका वजन तकरीबन 6 टन होगा और ये पानी के ऊपर 46 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकेगी। फ्लाइंग बोट में हाइड्रोफॉइल्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके डिजाइन में नीचे की जानब हवाई जहाज की तरह विंग्स यानी पर भी लगाए गए हैं जो इसको पानी के ऊपर उड़ाने में मदद देंगे। इसमें हाइड्रोजन सेल के साथ साथ ऐसी माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से समुन्द्र में किसी किस्म की आलूदगी फैलने का खतरा नहीं होगा और इसमें मुसाफरों के सफर को आरामदेह बनाने के लिए एक एयर कंडीशन सिस्टम भी नस्ब किया गया है। फ्लाइंग बोट में मौजूद हाइड्रोजन सेल हवा से ऑक्सीजन लेंगे और रिएक्शन के जरिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्स होने के बाद ऐसी तवानाई पैदा होगी जो मोटर इंजन को ताकत फराहम करेगी। इब्तदाई मराहल में इस अमल के लिए एक चैम्बर बनाया गया है जिसमे हाइड्रोजन मौजूद होती है और हवादानियों के जरिए इसमें ऑक्सीजन शामिल होती है। अब जदीद इंजीनियरिंग के जरिए माहिरीन ने इसे इतने छोटे साइज में तैयार कर लिया है कि ये हाइड्रोजन सेल आराम से आपकी गाड़ी में भी नस्ब हो सकता है। हाइड्रोजन सेल में एल्यूमिनियम के छोटे छोटे टैंक बनाए जाते हैं और इसमें ऐसी जालियां लगाई जाती हैं जिनके जरिए ऑक्सीजन इनमें दाखिल होती है। इनका डिजाइन ऐसा रखा गया है कि अगर कोई हादसा पेश आ जाए तो एल्यूमिनियम के ये टैंक खुद कार तौर पर लॉक हो जाएंगे और इनमें मौजूद हाइड्रोजन बाहर नहीं आएगी। अभी दुनिया कोशिश कर रही है कि पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों को बिजली से चलने वाली गाड़ियों से तब्दील कर दिया जाए, लेकिन शायद साइंसदान इससे भी कुछ आगे का सोचने में मसरूफ हैं। एक तहकीक के मुताबिक हाइड्रोजन को गाड़ियों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और हो सकता है कि हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियाँ बिजली से चलने वाली गाड़ियों से तब्दील हो जाए। हाइड्रोजन के इस्तेमाल से हम एक ऐसा माहौल दोस्त निज़ाम तश्कील दे सकते हैं जिसमें चलने वाली मशीनें और गाड़ियाँ किसी भी किस्म की आलूदगी नहीं करेंगी। जिस तरह इस वक्त दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में जगह जगह बिजली से चलने वाली गाड़ियों को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक स्टेशन बनाए जा रहे हैं, इसी तरह मुस्तकबिल में हाइड्रोजन स्टेशन भी बनाए जा सकते हैं। नाज़रीन, माहिरीन का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग इस वक्त दुनिया का सबसे अहम और संगीन मसला है जिसकी सबसे बड़ी वजह गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और जहरीली गैसें हैं। अगर हम दुनिया की ज्यादातर ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन सिस्टम पर मुंतकिल कर देते हैं तो ये एक इनकलाबी तब्दीली साबित होगी। फ्लाइंग बोट इस कोशिश की जानब एक मुस्बत कदम है और अगर इस तजर्बे में माहिरीन कामयाब हो जाते हैं तो इसको दीगर ज़राए आमदोरफ्त में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तहकीक के मुताबिक अगर इसमें कामयाबी हासिल होती है तो समुन्द्र में सफर करने वाले हजारों जहाजों में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इस मुफीद इंफॉर्मेशन को जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।